Please subscribe our channel for latest updates. अग्रवाल कॉलेज के गेट के सामने दो गुटों के जम के कुटमार हुई और चाकूबाजी हुई, जिस करीब तीन विद्यार्थियों चाकू लगे। चाकू लगन वाले विद्यार्थियों के दो अग्रवाल कॉलेज के पढ़ने वाले विद्यार्थी सन। जख्मी सोनू का कहना कि वह सवेरे कॉलेज के गेट को पहुंचा ही सी कि उसके उपर करीब 15 लड़कियां ने हमला कर दिता। उसका फोन भी खो लिया गया, फिर चाकू मार के जख्मी कर दिता गया। उसे बचाने आए दो होर विद्यार्थियों भी हमलावर ने चाकू मार के जख्मी कर दिता। उत्थे दूजे पक्ष का कहना है कि झगड़ा उन्होंने नहीं बल्कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने किया। थाना शहर के SHO योगविंदर ढिलो का कहना है कि पुलिस ने एक विद्यार्थी हिरासत में लैके अपनी जांच शुरू कर दी है, बयान दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? सोनू। ये जो चाकूबाजी हुई है कौन सी जगह हुई है और किस बात को लेकर के? ये हमारे कॉलेज में हुई है, अग्रवाल गेट पे। अच्छा, किस बात को लेकर के? बात का कुछ पता नहीं, हम तो बस अपना कॉलेज आए हैं और वहाँ पे खड़े थे। 10-15 जने शुरू हो गया तो फोन लूटने लग गए, फोन निकाल के फोन के फोन यार तमाचे लगाने, थप्पड़ वगैरह चालू कर दिए। अच्छा, और वो भी इकट्ठे हो गए, ज़्यादा हो गए, अकेला घेर लिया, मुँह में मार लग गया। अरे यार फोक के अपना भाई बंधु आई, बस जब बचाया हूँ इन्होंने, मेरे मामा का लड़का आया वो बचाने में, वहाँ के चक्कू मारे, एक मेरे चक्कू मारो पीछे, यहाँ हाथ में मार दियो। आपका? हितेश धनकर। हितेश, चाकूबाजी हुई है किस जगह हुई है और कौन लोग थे और किस मामले को लेकर के किया? कॉलेज पे हुई है, बुआ के लड़का मार रहे, मैं वहाँ बचाने गया तो उन्होंने मेरे मार दिया। कौन लोग थे ये? ये एक गौतम खटाना और एक सोन भारद्वाज है। अच्छा। और वगैरह। कहाँ के रहने वाले हैं लड़के? एक तेगाम को, एक फरीदपुर को। क्या कोई पुरानी रंजिश है इसमें? ना। तो ये हुआ कैसे था, क्या कर हुआ कैसे था, क्या कुछ बात पता चल पाई है? पता ना, मैं तो कॉलेज में हूँ तो हुआ के लड़का मार रही, मैं बाहर गया तो देखो मैंने वहाँ बचाने के चक्कर में लटवाने वहाँ मारा। अच्छा अच्छा, साहब चाकूबाजी हुई है कॉलेज पर, क्या कुछ मामला है? देखिए, अग्रवाल कॉलेज में पढ़ने वाले दो छात्रों के जो गुट थे उनको किसी बात को लेकर आपस में तनातनी हो गई और उसके बाद में दोनों गुटों में है मारपीट हुई है। इस मारपीट के अंदर दो दो छात्र हैं उनके चक्कू लगे हुए हैं और एक जो छात्र है उसके सिर में चोट लगी हुई है। जो घायल जो छात्र है उसके बयान पर हमने जो है तहरीर लिख ली है और जो अनुसंधान अधिकारी है वो मौके पे है और उसके बयान के अनुसार हम जो इसमें मुकदमा दर्ज करके और इसमें जो आगामी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। जिनके साथ ये मारपीट हुई है और जो मारपीट करने वाले हैं क्या वो कॉलेज के छात्र हैं या कोई बाहर के हैं? देखिए, अभी तक जो हमारे पास प्रारंभिक जो सूचना है उस सूचना के अनुसार दोनों ही जो गुट हैं कॉलेज में पढ़ने वाले हैं। जिन छात्रों को चोट लगी है वो भी कॉलेज के छात्र हैं और जिन्होंने चोट मारी है वो भी कॉलेज के छात्र हैं। देखा जा रहा है खुलेआम गुंडागिर्दी हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी चल रही है, कहीं ना कहीं डर नहीं है, क्या कुछ कहना है? देखिए, जो हमारे पास सूचना मिली थी, सूचना मिलते ही हम मौके पर गए हैं और मौके पर जाके ही पुलिस ने है दोनों जो गुट हैं उनको काबू किया है और हॉस्पिटल में उनको इलाज के लिए ले गए हैं। जो भी है इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। फरीदाबाद तो ललित मीणा की रिपोर्ट, चैनल पंजाब न्यूज़।